दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम आप बहुत ही तगड़ी यहाँ काइट फाइटिंग हो रही है, अभी काइट कास्टिंग करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे जो हमारी पतंग वो काफी ज्यादा लंबी यहाँ पे हमने कर दी, आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे काइट फाइटिंग हमारे छत के पीछे हो रही है, बिल्कुल अभी काइट कास्टिंग करके आपको दिखाने वाले किस तरह से पतंग चिमटाई जाती है। वो भी आज हम सिर्फ सद्दी से पतंग चिमटाने वाले हैं, देखते हैं हमारी पतंग बचती है कि चली जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पतंग यहाँ पे लंबी है, इतनी लंबी हमने पतंग अपनी बढ़ा ली। अभी पतंग चिमटा के आपको दिखाते हैं। यहाँ हमारी छत के पीछे काइट फाइटिंग होना चालू हो चुकी है और तभी एक पतंग यहाँ पर कट कर जाती है। बहुत ही ज़्यादा डोर से ये पतंग जा रही है, तो चलिए जल्दी से इसको चिमटा कर देखते हैं ये पतंग आती है कि नहीं। यहाँ पे हम सर्दी से पतंग चिमटाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, पर देखते हैं आती है कि नहीं। यहाँ पे जाकर सीधा बिल्कुल डोर के अंदर चक्कर पे चक्कर हमने लगा दी और वो पतंग बिल्कुल चिमट गई। और जैसे ही हमने ताना वैसे ही हमारी भी पतंग चली गई। यहाँ पे वो पतंग तो आई नहीं, वो पतंग काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गई और जो हमारी पतंग है वो भी कट कर चली गई। यहाँ पे कोई लूट कर भाग गया। यहाँ हमारी पहली पतंग तो चली गई है, यहाँ पे हमने दूसरी पतंग पार कर ली है। इस पतंग में अब की हमने सर्दी से चिमटाने की कोशिश नहीं की, इसके अंदर अब की हमने चिमटौलिया बांध लिया आगे मंजे का, इससे हम चिमटा कर पतंग ला के दिखाने वाले हैं। क्योंकि सर्दी से चिमटाई तो हमारी पतंग चली गई है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी पतंग कट कर जा रही है। चलिए जल्दी से इसको चिमटा कर दिखाते हैं किस तरह से आपको पतंग चिमटाना है। जाकर सीधे हमने उसके कन्ने में चक्कर ही चक्कर लगा दी, जिससे जो पतंग थी वो अच्छे से घूम गई हमारे अंदर और बिल्कुल हमारे गिट्टे के अंदर फंस चुकी है। पीछे भी हमने दो तीन गिट्टे बांध रखे हैं, उसी के अंदर ये पतंग फंस कर बिल्कुल तन गई है। और यहाँ पर चलिए लाते हैं इस पतंग को, देखते हैं कैसी पतंग है, कौन से मंजे से पतंग कट कर आई है। यहाँ पे हमने पास जब लाकर देखा तो ये पतंग तो बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनदार पतंग निकली। और यहाँ पे हमने नीली पतंग बढ़ाई थी, इससे हमने पतंग चिमटा कर लेकर आए हैं ये लाल पतंग को। और यहाँ पतंग पास लाकर देखा तो इसके अंदर सादे मंजे से पतंग थी और ये बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनदार पतंग है। यहाँ पे चलिए दूसरी पतंग चिमटाते हैं। यहाँ पे हमने एक बार फिर से पतंग बढ़ा ली थी और इसी बीच बहुत ही जल्दी दो तीन पतंग कट कर चली भी गई। यहाँ पर फिर से एक पतंग आ रही है, तो चलिए जल्दी से अब इसको चिमटा कर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये भी काफ़ी डोर से पतंग थी, इसलिए हमने जाकर अपने कन्ने पर इसको नचाना चालू कर दिया और यहाँ पे जो उसका डोर है वो चिमट चुका है। हमने यहाँ पे चिमटाने के लिए बहुत ही अच्छा आगे एक औजार बांध रखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि उसको हम बताएं किस तरह से वो बनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे बहुत ही मेहनत कर हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, पर आप लोग लाइक नहीं करते। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पतंग चिमटा कर लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे मठेड़ी पतंग हमने इस बार चिमटाई है और ये काफ़ी ज़्यादा मंजे से पतंग निकली। यहाँ पे पूरा मंजा हम एक चरखी में लपेटते हैं, बाद में आपको दिखाते हैं कितने ज़्यादा हमने मंजा बटोरा है सब पतंग चिमटा कर। यहाँ पे मठेड़ी पतंग बहुत ही बड़ी पतंग लग रही है, बिल्कुल टेपिंग ओपिंग हो रखी है इस पतंग में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पतंग है। और यहाँ पर हमने फिर से एक बार पतंग अपनी पार कर ली है। यहाँ पर पूरा मंजा वंजा छुटा कर हमने एक बार अपनी पतंग पार कर ली। इस बार फिर से अभी आपको काइट फाइटिंग चिमटा कर दिखाने वाले हैं। यहाँ पे छत के पीछे बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल छत के ऊपर ही हमारी पतंग लड़ रही, तो सब पतंग हमारे पास बहुत ही आसानी से आ जा रही है, जिससे हम पतंग को चिमटा ले रहे हैं। और यहाँ पे एक काली पतंग जा रही है, फंस फंस कर आ रही है, इसका डोर हमारी छत पे होगा, पर यहाँ पे हमने उसे पकड़ना नहीं चाहा। यहाँ पे पतंग हमने बढ़ाई थी तो उससे हमने चिमटा लिया है। यहाँ पे वो पतंग जाकर दूसरे के छत पे गिरने ही वाली होती है कि हम जल्दी से हिंचते हैं और वो पतंग हमारी चिमट जाती है। यहाँ पे पतंग सरक रही थी तो यहाँ पे हमने उसे अच्छे से चक्कर दे दिया, जिससे वो पतंग सही से चिमट जाए। तब हमने हिंची जाकर उस पतंग को और यहाँ पर वो गिट्ठे में आ चुकी है हमारी पतंग, अब आसानी से बिल्कुल चिमट गई। तो यहाँ पे हमने पहले उस पतंग को लंबी किया, जिससे हमारी यहाँ पर अब पतंग हमारी जो है वो अच्छी तरह से चिमट चुकी है। तो यहाँ पर अब हम उसे उतार कर लेकर आते हैं, बिल्कुल गिट्ठे पे हमारी पतंग आ चुकी है। और यहाँ पे जब हमने खींचा तो वो पतंग बिल्कुल तन रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पतंग हमने चिमटाई। हमारी पतंग जो है बहुत ही ज़्यादा नाच रही है, हमने नाचने वाली पतंग बढ़ाई की, जिससे आसानी से चक्कर देकर उस पतंग को चिमटाया जा सके। यहाँ पे हम पतंग लाकर सीधे बच्चे को हाथ में दे देते हैं कि जल्दी से पतंग उतारे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मंजा हमने बटोर लिया है पूरा। यहाँ पे अभी तक हमने तीन पतंग चिमटाई है और यहाँ पे रात हो चुकी है, हम यहाँ पे अब पतंग नहीं चिमटाएंगे। चलिए दिखाते हैं कौन कौन सी पतंग हमने चिमटाई है। यहाँ पर सबसे पहले हमने चिमटाई थी ये डिज़ाइनदार पतंग, उसके बाद हमने मठेड़ी पतंग चिमटाई और उसके बाद यहाँ पे काली पतंग चिमटाई। इसके अंदर स्टीगर लगा है, बिल्कुल काइट फाइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी।